आज जो मीटिंग हुआ हमारे ऑनरेबल सीएम के साथ, उसमें हम लोगों को बहुत कुछ बोलने का मौका मिला और मैडम को भी, मैडम ने भी काफ़ी बातें बताई हमको, और इससे हमें कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली वी हैव गॉटन अ कपल ऑफ डायरेक्टिव्स जो वो कह रही हैं कि हमें कल 3 बजे के अंदर अंदर मिल जाएगा। सेंट्रल डायरेक्टिव के मद्देनज़र रखते हुए भी एक जगह पे जहाँ पे हमें थोड़ा सा दुख हुआ कि हमारे जितने भी प्रोफेसर्स थे, प्रिंसिपल है, एमएसपी सर्स हैं, उनको बुला के बोला गया कि आप लोग यहाँ पे फिलहाल के लिए बस ऑब्जर्व करेंगे मीटिंग और बात होगा जूनियर डॉक्टर्स के साथ। सो वहाँ पे जब और कुछ कुछ अस्पतालों में जहाँ पे थ्रेट कल्चर का यहाँ पे था, वहाँ पे जो थ्रेट कल्चर करते हुए जो लोग ऐसे दोषी पाए गए थे, वहाँ पे प्रॉपर बाकायदा इंक्वायरी कमेटी बैठा के एनएमसी के कायदे कानून से उनको हटाया गया था। तो मैडम ने बताया कि वैसे नहीं किया जा सकता, मैडम खुद उसमें इंटरवीन करेंगी। इन अ वे जहाँ पे टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, इन अ वे जहाँ पे हम लोग खुश है कि हाँ वो खुद इस बात को सीरियसली ले रही है, लेकिन एक तरफ हमारा थोड़ा सा हम लोग को खेत है कि हमारे सामने जो कि हम उनके स्टूडेंट्स रहे हैं प्रिंसिपल सर्स के सामने, उनके सामने शायद इस तरह से नहीं बर्ताव होना चाहिए था। बट देन ठीक है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू जो कल जो सेंट्रल डायरेक्टिव आएगा उसकी तरफ हमारे नज़र है। और आज जो हमारे यहाँ पे अनशन में हम बैठे थे और 17 दिन से बैठे हैं और 73 डेज हो गया है हमारे पूरे प्रोटेस्ट को, हम लोग 7 लोग यहाँ पे और वहाँ पे नॉर्थ बंगाल में एक, तो हमारे यहाँ पे अभया के माता पिता खुद आए थे यहाँ पे हमसे रिक्वेस्ट करने के लिए कि उनके खुद के तो उनका जो खुद के जो संतान है वो तो नहीं रही इस दुनिया में, बट एटलीस्ट हम लोग को अपना ख्याल रखते हुए और इस आंदोलन को आगे चला के जाने के लिए हम लोग को अभी फ़िलहाल के लिए फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस लाना चाहिए। और हम भी फ़िलहाल के लिए आस्था रखते हैं हमारे राज्य सरकार के, हमारे हेल्थ मिनिस्टर और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर, सेंट्रल डायरेक्टिव के ऊपर हमारा नज़र रहेगा, हमारा आंदोलन तो चलता ही रहेगा बिकॉज अभय का न्याय विचार अभी भी थोड़ा सा दूर है, अभी भी फ़िलहाल पूरे तरफ से संपूर्ण कार्य पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ है। सो उस तरफ से देखा जाए तो हमारा यहाँ पे सारा जो है आंदोलन चालू रहेगा, बट हाँ अभी अभय पे के माता पिता के वहाँ पे सम्मान देखते हुए फिलहाल के लिए हमें अनशन फिलहाल के लिए बंद करते हैं, रद्द करते हैं। 17 दिन से हम अनशन पे थे।